The only channel which will teach you, which will guide you what to speak or what not to speak, how to speak or how not to speak. The channel name is Let's Talk English. A very good hello, boys and girls. A very good hello, ladies and gentlemen. Welcome back to the channel. My name is Aman Maskeen. I'm an all-time English learner and a guide who loves to guide with a smile. Phrasal verbs, part number 7. वही नॉर्मल लाइंस फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो फ्रेजल वर्ब्स इतनी ज़्यादा पढ़ते हैं और इतने ज़्यादा मीनिंग याद करते हैं पर मैं इस चैनल पे आपको वही इंग्लिश सिखाता हूँ जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए नीडेड है जो सिर्फ आप बोलोगे तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा या आप किसी को बोलते हुए सुनोगे तो आपको सामने वाले बंदे की बात समझ में आएगी वी ऑलवेज हैव टू स्टडी वेरी लिमिटेड एंड वेरी स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सेंटेंसेस व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स वी हैव टू स्टडी वी हैव टू लर्न वेरी लिमिटेड थिंग्स जब आपको सारा डेटा जब आपको सारा जो मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक वे में मिलता है ना यू जस्ट हैव टू लर्न दोज थिंग्स एंड रेस्ट लीव इन अदर्स हैंड नथिंग टू वरी अबाउट आई एम विद यू यू गाइज कैन काउंट ऑन मी ऑन दैट पार्ट अभी ठीक है तो हम आज क्या करने वाले हैं आज हम फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे सिर्फ 3 फ्रेजल वर्ब्स पहली फ्रेजल वर्ब जो है आज की वो है अभी मैंने क्या बोला था काउंट On, count on, count का एक अलग मीनिंग है on का एक अलग मीनिंग है phrasal verb की बात ही यही होती है when you know two or three words combine they give birth to a different meaning तो यहाँ पे count on का मतलब क्या है count on की सिर्फ मैं आपको दो sense दूंगा count on की सिर्फ मैं आपको दो sense दूंगा पहली sense होती है trust T-R-U-S-T trust भरोसा जैसे मैं कहूँ guys you can count on me I will teach you, I'll guide you how to be a better speaker. You, मैंने बोला ना, you can count on me, मतलब you can trust me. एक तो ये sense होती है, जैसे मैं कहूँ, क्या यार, guys, I counted on Rohan and he broke my trust. मतलब I counted on Rohan. Trust के साथ इसको connect करो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार मैंने तो भरोसा जताया था Rohan पे, पर उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया. अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यार, you guys can count on me, I'll come on time. मतलब आप मुझ पर भरोसा रख सकते हो कि मैं टाइम पे आऊंगा काउंट क्या है एक वर्ब है काउंटेड काउंटेड काउंटिंग एंड काउंट्स वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव लाइक दिस वे वी कैन लर्न एक और जो इसकी सेंस होती है क्विकली वी विल बी लर्निंग एक सेंस होती है किसी पे डिपेंडेंट होना किसी पे डिपेंड करना जैसे देर इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हर नेम इज इशिका सो इशिका कॉन्टेक्टेड मी यस्टरडे एंड शी सेड अमन आई काउंट ऑन यू माई एग्जाम्स आर कमिंग एंड यू विल टीच मी मैंने कहा ठीक है यू कैन काउंट ऑन मी आई विल टीच यू लाइक दिस वे मतलब उसका क्या कहने का मतलब था ये भी हो सकता है कि वो ये कहना चाहती हो कि मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहना चाहती हूँ कि मैं तुझ पे डिपेंडेंट हूँ या मैं तुझ पे डिपेंड कर रही हूँ लाइक दिस वे सो टू सेंस काउंट ऑन भरोसा एंड किसी पे डिपेंड करना सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट गो थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच अच्छा गो थ्रू का गो का मतलब तो बताया जाना थ्रू का मतलब क्या होता है एक जगह थ्रू मतलब उस जगह से गुजरना थ्रू जैसे एक टनल है एंड मुझे वहां जाना है तो आई विल बी गोइंग थ्रू द टनल मतलब मैं एक टनल से होके गुजरूंगा लाइक दैट वे एक तो सिंपल मीनिंग यही है गो थ्रू पता है गो थ्रू के कई सारे सेंस होते हैं आई विल बी जस्ट गिविंग यू टू सेंस जो इंपॉर्टेंट है वो चल के जाना इज वो तो बड़ी बेसिक चीज है वो तो पढ़ के भी आ रही है बट एक्चुअली इसकी जो सेंस होती है आई विल बी टेलिंग यू दैट गो थ्रू का मतलब क्या होता है सबसे पहला सबसे इजी किसी चीज को पढ़ना किसी चीज को देखना किसी चीज को बस एक झलक मारना जैसे अरे एक मिनट लेट मी गो थ्रू दिस लेटर एंड आई विल टॉक टू यू लेटर ठीक है लेट मी गो थ्रू दिस लेटर एंड आई विल टॉक टू यू लेटर मतलब यार मैं एक बार ये लेटर पढ़ लेता हूँ फिर मैं तुझसे बाद में बात करूंगा गो थ्रू मीन्स एक बार बस एक झलक मारना वो एक वर्ड याद किया था ना ग्लांस वैसा ही कुछ है यार एक मिनट आई एम गोइंग थ्रू दीज ग्रामर रूल्स एंड आई डोंट थिंक दैट दिस बुक इज करेक्ट ये हमें नहीं पढ़नी चाहिए मतलब मैं आई एम जस्ट गोइंग थ्रू जैसे हम न्यूज पेपर को हमेशा गो थ्रू करते हैं जैसे कभी कभार हमारे पापा बोलते हैं ना मैं ओए इस पैराग्राफ को गो थ्रू कर और अमन बता इसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है मेरे पापा मुझे ऐसे कहते हैं इस पैराग्राफ को गो थ्रू कर एक तो ये मीनिंग हो गया टू रीड समथिंग टू जस्ट गिव द ग्लांस सेकेंड सेंस जो होती है वो गो थ्रू की ये होती है
किसी चीज को देखना एंड ढूंढना. जैसे मैं कहूँ ना यार पापा आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू योर कबर्ड, योर शर्ट मस्ट बी आउटसाइड. मतलब मैंने आपकी कबर्ड खोली एंड उसको गो थ्रू किया. जैसे हम सुबह सुबह क्या करते हैं, अपनी कबर्ड खोलते हैं, गो थ्रू करते हैं कि आज क्या डालेंगे, ब्लैक शर्ट ब्लू पैंट्स. लाइक दिस वे वी कैन लर्न इट. सो गो थ्रू का क्या मतलब हुआ या सेंस क्या हुई, दो चीजें, किसी चीज को पढ़ना या किसी चीज पे झलक मारना, झलक करना मतलब झलक से देखना, ऐसा कुछ. यू गाइस गॉट माय सेंस राइट. एंड दूसरी क्या हुई सेंस कि किसी चीज को बस देख के एग्जामिन भी कर लेना कि अच्छा गो थ्रू कर लिया ठीक है, कोई गलती नहीं है. या फिर डैड आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, क्योंकि गो वेंट गॉन, हैव के साथ गॉन आएगा, वी थ्री आएगी. तो दैट इज द वे वी कैन यूज इट. सो सेकेंड फ्रेजल वर्ब क्लियर. थर्ड, एक थर्ड सेंस और समझते हैं, ये भी बहुत ज्यादा ईजी है. अगर हम किसी भी डिफ़िकल्ट थिंग्स या फिर बहुत ही ज़्यादा कोई दर्द भरी चीज़ हो या फिर कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ से कोई गुज़रा हो, तो उस गुज़रने के लिए भी हम गो थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं. मैंने क्या लिखा हुआ है, किसी डिफ़िकल्ट थिंग से गुज़रने के लिए भी हम गो थ्रू का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने लिखा हुआ है, रोहन इज़ गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज ऑफ लाइफ. मतलब वो अपने ज़िंदगी के काफ़ी बुरे फेज से गुज़र रहा है. गोइंग थ्रू. सेकेंड सेंटेंस, स्टूडेंट्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर नाउअडेज. स्टूडेंट्स को कितने ज़्यादा, कितने सारे या फिर कितना ज़्यादा प्रेशर से गुज़रना पड़ता है. तो गो थ्रू, अगर कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस या फिर कोई भी बैड एक्सपीरियंस या बुरे एक्सपीरियंस से अगर हम गुज़रते हैं या कोई भी गुज़रता है, तो उस समय भी हम गो थ्रू फ्रेज का यूज कर सकते हैं. माय पर्सनल फेवरेट, आई यूज इट लाइक एनीथिंग. मेक सेंस, सेंस मेक सेंस. सेंस मतलब क्या होती है, समझ सेंस कि ओए तुम्हें सेंस आ रही है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं. इज इट मेकिंग सेंस. मेक क्या है, एक वर्ब है. मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स. तो मेक सेंस का मतलब क्या होगा, किसी चीज को समझ में आना. जैसे मैं कहूं यार वट एवर आई हैव टॉट यू टुडे, डिड इट मेक सेंस टू यू. मतलब क्या आपको सच में समझ में आया, डिड इट मेक सेंस टू यू. मेक सेंस मतलब होता है समझ में आना. डिड इट, आई मीन इज इट मेकिंग सेंस. गाइस टेल मी, इज इट मेकिंग सेंस. मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ, इज इट मेकिंग सेंस, राइट डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, इज इट मेकिंग एनी सेंस. क्या सेंस कोई बना रही है, कुछ समझ में आ रहा है. जैसे मैं कहूँ ना यार राहुल गांधी नेवर मेक सेंस, मतलब बिल्कुल नॉनसेंस. अच्छा नॉनसेंस वर्ड यूज करते हैं ना, नॉनसेंस का काइंड ऑफ जो सेंस है नॉनसेंस की, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, नॉनसेंस बातें कर रहे हैं. ओ जैसे मैं राहुल गांधी को बोलूं, सर 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 यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, आई एम सॉरी बट यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस. मतलब आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप अपनी बात को समझा नहीं पा रहे. तो आई होप गाइज, आई मीन वी आर डन विद दीज एग्जाम्पल्स. So I hope guys that you love the session of today. If you guys really liked it, you could hit the like button and you can subscribe to my channel. It's Aman Miskin signing off, and I hope that I made sense today. And all you have to do, that every day you have to come on my channel and you have to go through my videos, and you guys can count on me that I will teach you how to be fluent. It's Aman Miskin signing off. I hope that you loved it. Take care. Wait. Video ke baad mein हर फ्रेजल वर्ब के अलग अलग सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट लेना एंड उसको आप गो थ्रू कर सकते हो एंड थिंग्स विल बी करेक्ट. अभी एक सेकेंड में आते हैं. थैंक यू, टेक केयर.